देखिए गुजरात में मैं भी दो तीन बार जाके आया हूं। जिस तरह से 25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत लेवल पे हर घर में जाके काम किया, वो अपने आप में एक यूनिक मॉडल है जो आम जनता को एम्पावर करने का। मैं कुछ पंचायतों में गया, पूरी तरह से डेटा रिकॉर्डिंग कंप्यूटर, हर व्यक्ति का रिकॉर्ड है, किस सरकारी योजना से उसको लाभ मिला है कि नहीं मिला है, अगर वो एलिजिबल है तो क्यों नहीं मिला, उसको उसके साथ जोड़ना, इस तरह का पूरा एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम गुजरात में चल रहा है। मोदी जी ने तो अपने 15 साल के कार्यकाल में गुजरात में जिस तरह का विकास किया, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, वहां पे जल आपूर्ति देखिए, बिजली की आपूर्ति देखिए, वहां पे टूरिज्म को देखिए, वहां पे इंडस्ट्रीज को देखिए, वहां पे आम जनता की जन सुविधाओं की योजनाओं के साथ कनेक्ट देखिए, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार से मुक्त एक सरकारी प्रणाली स्टेब्लिश हुई है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली स्टेब्लिश हुई है। तो वहां पे जनता का जो स्नेह है, प्रेम है मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो वह कोई एक खोखले वादों से वह उसको डेंट नहीं कर सकते। कांग्रेस के अंदर तो फिर भी कुछ बड़े बड़े वहां पे पुराने लोग थे, नेतृत्व थे, जिन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन आज कांग्रेस पूरी तरह से नगण्य हो चुकी है। उनके दिग्भ्रमित नेतृत्व के कारण वह भी किसी तरह से कोई दिशाहीन राजनीति कर रही है, और काप तो अपने आप में पूरी तरह झूठ पे आधारित राजनीति करने का प्रयास कर रही है। तो लोगों के समझ में आ गया है कि दिल्ली में इनका हाल देख लिया, इनका पंजाब में हाल देख लिया, मोह भंग जल्दी से जनता का जब यही हो गया तो वहां पे कोई इन्हें सपोर्ट करेगा, मुझे तो नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मतों से और ज्यादा सीटों पे विजय प्राप्त करेगी। देखिए ये तो ये इनके इन प्रकार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, झूठ बोलो, भ्रष्टाचार करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाओ, पैसा लेके सब लोगों को खरीद लो, इसकी राजनीति कर रही है। ये ओछी और सतही राजनीति है, भारत में इस तरह की राजनीति का कोई स्कोप नहीं है। कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी है उसका वजूद नहीं आज के देश में समय में दिख रहा, तो आम आदमी पार्टी जो केवल खोखले नारों के बल पे राजनीति करना चाहती है, तो वह कुछ कर पाएगी मुझे नहीं लगता। इनका गोवा में फेलियर देख लिए, उत्तराखंड में भी फेलियर देख लिए, हर जगह उत्तर प्रदेश में देख लीजिए फेलियर, और जब 2014 और 19 में पूरे देश में ये एमपी के केंद्र के इलेक्शन में जिस तरह से इन्होंने हवा बनाने का प्रयास किया था, पूरी तरह से वो नष्ट भ्रष्ट हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में इनको कोई सपोर्ट मिलेगा। कांग्रेस का पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उस तरह से राहुल गांधी आज की डेट में अपने कार्य कर रहे हैं। आप देखिए सावरकर का तप, बलिदान, तपस्या, त्याग, तीनों भाई, तीनों ने संघर्ष किया। जो अंडमान निकोबार में काला पानी में वीर सावरकर को दुगनी लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई थी, दो लाइफ इंप्रिजनमेंट, आज तक इतिहास में ऐसी सजा शायद ही किसी को मिली होगी विश्व में कि दो आजीवन कारावास मिल रहे हो, और कई वर्षों तक वह काला पानी की जेल में रहे, और उनके बड़े भाई भी उसी जेल में थे, और उन्हें पता नहीं था दोनों को आपस में, इस तरह का उनका कम्युनिकेशन सिस्टम चैनल खत्म किया था, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में उन्हें रखा, 7 दिन तक खड़े हथकड़ी बांध के दीवार से खड़े करके रखा, इस तरह कोलू के बैल की जगह, हम तो जाके देख के आए, कोलू के बैल की जगह सावरकर जी को उसमें जो है नारियल में से तेल निकालने के लिए हर दिन एक दे दिए जाते थे कि इतने क्वांटिटी आपको तेल निकालना है, जूट की रस्सी को कुटवाया जाता था, कितनी यातनाएं सही है। किसी को इतिहास ना मालूम हो यह बात ठीक है, लेकिन उल्टा इतिहास मालूम है, उल्टी बात करना, क्या उन्हें पता है कि फ्रांस में जब उन्हें ले जाया जा रहा था काला, इंग्लैंड से उनको अरेस्ट करके वीर सावरकर जी को, तो
वह समुद्र में जहाज से कूद के, क्योंकि उन्हें लगता था कि जेल में सड़ा के रहने के बजाय मुझे बाहर रह के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ना है अंग्रेजों के साथ, और उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा की थी, युवाओं को तैयार किया था, तो वो कूद गए थे और 28 किलोमीटर समुद्र में तैर के फ्रांस के तट पे वो पहुंचे थे। तो अंग्रेजों ने इंटरनेशनल कानून को धत्ता दिखा के उनको वहां से जो तट से अटैच किया था। तो इतना त्याग तपस्या बलिदान, इतना जो जिन्होंने संघर्ष किया उनके बारे में इस तरह की ऊंची बात करना, और ये तो इनकी मानसिकता तो पूरी तरह से खराब है। 48 में भारत 47 में स्वतंत्र हुआ, सावरकर जी को उसके 5 स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ने जेल में डाला। कितना ओछा इनकी सोच है। और जयराम रमेश कहते हैं कि इतिहास को पुनः लेखन करना चाहिए, इतिहास का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, आवश्यक है इस देश में इतिहास का पुनः मूल्यांकन। और मूल्यांकन इस बात का होना चाहिए कि नेहरू एडविना का क्या संबंध था, जिसके कारण स्वतंत्रता के समय जिस तरह का अंग्रेजों को यहाँ पे फिर रहने का मौका दिया गवर्नर जनरल का, उसका भी पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। इस बात का भी पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए कि नेहरू जी की 1962 में जो चीन के प्रति जो व्यक्तिगत आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो पॉलिसी थी, जिसके कारण बुरी तरह भारत को चीन के साथ हार देखनी पड़ी, तो यह सब चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। इन चीजों का बिल्कुल मूल्यांकन होना चाहिए। सावरकर के तपस्या बलिदान तप का, उनके संघर्ष का, सुभाष चंद्र बोस के बलिदान का, इन सब का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। और राहुल गांधी जी को तो इतिहास पढ़ना ही चाहिए, कम से कम उल्टा इतिहास तो ना पढ़ के देश की जनता को बदलना है। पॉलिटिकली मैच्योर हो रहे हैं कि नहीं ये तो समय बताएगा। ये उनके पॉलिटिकल टूरिज्म का कभी बीच बीच में जोश आता है, वो पॉलिटिक्स करते हैं फिर थक जाते हैं तो विदेश भाग जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं ये भी नहीं पता होता। मैच्योर तो क्या हो रहे हैं, दाढ़ी मैच्योर जरूर हो रही है।